और प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या करेंगे ये भी बताएं। अभी हमारी वेबसाइट पे है, आप कहेंगे तो हम यहाँ भी एक कॉपी बंटवा देंगे। ईच पॉइंट यू विल गेट टू नो कि किसमें क्या कहा गया। उसके बाद हमने सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसीज एसपीज के साथ मीटिंग की। सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हों, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार, सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे, कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। कब तक घोषणा होगी सर? तैयारियों के माध्यम से अभी जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कोई घटना या कोई किसी प्रकार की समस्या झारखंड से नहीं आई, तो प्रशासन अपने आप में दुरुस्त है। प्रशासन को ये भी कहा गया है कि अभी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चलेगा, कुछ उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, कुछ उनके ऊपर काउंटर आरोप लगाएंगे, उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पे अडिग रहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, ना आरोपों से डरना है, ना कोई गलती करनी है, कोई भी गलत आरोप लगाए जाएंगे उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल हम लोग कमीशन देख के बात करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैवीली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने के लिए कोई भी कार्य, आयोग तैयार है चुनाव कराने के लिए? आयोग हमेशा तैयार रहता है और नियम हमेशा कब तक चुनाव होगी ये जानना चाहते हैं सर। महाराष्ट्र के साथ हो जाएगी सर? अभी आयोग लौटने के बाद परसों कल जम्मू कश्मीर में वोटिंग है, आप लोग भारत तो जो वोटिंग का नज़ारा कश्मीर में है उसी तरीके का नज़ारा हमारा एडब्ल्यू एरिया में मिला था, जनरल इलेक्शन में, बस्तर में, गढ़चिरौली में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, सब जगह में मिला जो भी टफ एरियाज थे। तो कल वहाँ का चुनाव है, उसके बाद में हम लोग परसों से महाराष्ट्र के विजिट पर जा रहे हैं, उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे और समय से चुनाव कराएंगे। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए डायरेक्शन बहुत सख्त डायरेक्शन दिए हैं उनको, और उनको ये भी कहा गया है, सबको सुझाई गई है बहुत सारी चीज़ें कि मतदाता को तीन काम है हमारे चुनाव के, उनको ये बहुत स्पष्ट से समझाया गया है। पहला काम है कि हमारा इलेक्शन रूल प्योर होना चाहिए, दूसरा काम है कि जब कैंपेनिंग शुरू हो तो वो बिल्कुल लेवल होनी चाहिए, सबको बराबर का समय मिलना चाहिए, और तीसरा काम है कि जब वोटर वोट डालने आए पोलिंग स्टेशन पे तो उसको पोलिंग स्टेशन पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। तो रोल आइडिया नीचे कर पोल, यही हमारा काम है। तो हर पोलिंग स्टेशन पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर नहीं है बूथ्स कहीं कहीं पर, तो वहाँ हम लाने जाने की व्यवस्था करेंगे। कुछ ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरा 100% कर दीजिए अच्छा रहेगा, हमने वो ऑर्डर कर दिया 100% कर दिया। कुछ ने कहा था कि जब हम पार्टी का टेबल लगाते हैं बूथ पर तो वो लोग हटा देते हैं 200 मीटर का दायरा के, हमने सबको डायरेक्शन दिया है कि आप पोल शुरू होने से काफ़ी पहले, हो सकता है 5-6 दिन पहले बूथ के पास जाके एक दायरा बना दीजिए, भाई इसके बाहर जाइए 200 मीटर, और वो 200 मीटर होगा पोलिंग स्टेशन के गेट से। कुछ पार्टीज़ ने कहा कि पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो तो उसकी रिकॉर्ड रखिए, हम देख सकते हैं, हम जरूर रखेंगे, सीसीटीवी कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग होगी, किसी को चाहिए वो देख सकता है कोर्ट के माध्यम से। सो एवरी प्रोसेस विल बी स्क्रीन विल बी रिकॉर्डेड और जिसको पारदर्शिता के हिसाब से देखना है वो सब देख सकते हैं। और
आपने जो पूछा वोटर संख्या बढ़ाने के लिए, अरे भाई इसको तो ये कहा गया कि झारखंड की जितनी भी बहुत ही इट्स वेरी मतलब बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स हर तरीके से बहुत ही जागृत जगह है, तो उनको कहा गया है कि जैसे अभी धान की फसल का समय शुरू हो रहा है कटना, तो धान के आधार पर पिक्चर्स बना के सबको मोटिवेट करें, हॉकी के नाम पर करें, सारे नेशनल लेवल प्लेयर्स बुलाएं, फुटबॉल के लिए करें, छऊ डांस पर करें, इसको नीचे करो ना थोड़ा, बेतला के नाम पर करें, सारे नीरज नीचे करो थोड़ा सा, तो जितनी भी यहाँ की विशेषताएं हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सभी वोटर्स को जुड़ें और झारखंड के जो गौरवान्वित जगह है, जो इतिहास है, जो उसकी हर जगह में देश के स्तर तक उसको पहुँचाएं अपने स्वीप के माध्यम से, पिक्चर्स बना के क्षेत्र है।